हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल जॉय जगन्नाथ। सो आज है हमारा सिक्स्थ डे नॉर्थ ईस्ट राइड का। जैसे कि पिछले ब्लॉक में आपको पता लगा हो कि हम लोग गुवाहाटी में रुके हैं और आज हम जा रहे हैं तवांग की तरफ। एक ही दिन में तवांग करना पॉसिबल नहीं होगा गुवाहाटी से, तो इसलिए आज हम जाएंगे दिरांग, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर है लेकिन 7 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। डेफिनेटली ट्विस्टीज वगैरह बहुत होगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है इसलिए, और बारिश का भी बहुत चांसेस है और लास्ट 2 दिन से काफ़ी बारिश हमको मिला है। बस प्रे कर रहे हैं कि मतलब कैसे करके यहाँ से निकल जाएं और ज़्यादा बारिश ना मिले और मैक्स टू मैक्स 4-5 बजे के अंदर वहाँ पे पहुँच जाएं, क्योंकि रात को गाड़ी चलाना सेफ नहीं रहेगा। बाकी रूम का हालत आप देख सकते हैं, ये ऐसे ही होता है जब हम कोई एक बड़े ट्रिप पे चलते हैं तो पूरा ये सामान सब निकालना पड़ता है, फिर उसको फिर पैक करना पड़ता है। सो गुप्ता, आप रेडी? गाड़ी का हालत आप देख सकते हो। अरे भाई साहब, थोड़ा नंबर प्लेट भी नहीं दिख रही। ये है V4 का हालत और ये है CBS 650 का हालत। ये वाला बोल्ट निकल गया था, ये वाला ना, तो इसको नहीं, ये बोल्ट नहीं, यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है। अच्छा, ये नीचे वाला बोल्ट। हाँ, ये और निकलेगा नहीं ना, तो लगा के तो आए लेकिन फिर भी जिप टाई कर देंगे एक्स्ट्रा। सामने से ब्रेक दबाने से एक हल्का सा साउंड होता, मुझे लगा कि शायद पैड ख़त्म हो गया। पैड है ठीक ठाक और एक्चुअली थोड़ा धूल वूल मिट्टी विट्टी कुछ चला गया हुआ, तो फिर अच्छे से उसको धो दिया, देख सकते हो, इसलिए वो इतना क्लीन दिख रहा है। ये है नहीं तो जाना चाहिए GS का हालत। तो जो हमारा प्लान था कि हम दिरांग जाएंगे, शायद आज दिरांग नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न है कि स्ट्रिप का फ्रंट का जो ब्रेक है लास्ट पोजीशन में है, मतलब 1000 किलोमीटर तक जाएगा मैक्स टू मैक्स, और चिचिन का भी फ्रंट ब्रेक भी वैसा ही सिचुएशन में है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली सुमन का जो पीछे का डिस्क पैड है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, मतलब बिल्कुल मूवेबल कंडीशन में नहीं है। सुमन बात किया है, पहले जाके गाड़ी में सब ब्रेक पैड्स लगा देंगे, फिर उसके बाद जाके आगे हम जाएंगे। आज हम तेजपुर तक ही जा पाएंगे शायद, तेजपुर भी यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर है। गुवाहाटी में एक वर्कशॉप हमको मिल गया, वहाँ पे सब अवेलेबल भी है सब बाइक का लकीली। वैसे गुवाहाटी में ना ट्रायम्फ का कोई शोरूम है ना ही BMW का शोरूम है, पर सुपर बाइकर्स यहाँ पे बहुत हैं, तो इसलिए यहाँ पे सब स्टॉक रखते हैं शायद इसीलिए। जो सब कोलकाता से, उनको नियरेस्ट कोलकाता ही आता है, कोलकाता से मंगाना पड़ता। बहुत बड़ा सिटी है लेकिन नहीं गुवाहाटी। लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाना है, ऑटो वाले भैया को जाने देते हैं और लेफ्ट चलते हैं। देख सकते हो गाड़ी के अंदर एक बंदा बिंदा सोया हुआ है। अच्छा, ये गैराज आ गया अभी, ये वाला गैराज हमको कहाँ पे मेरे सामने में कूं कूं हो रहा है वो। तो उधर लगा देना तेरा, वो सुमन निकालना ना, उधर लगा दे। अभी हम हैं मोटोटॉक गुवाहाटी में, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया एक गैराज है, और यहाँ पे ऊपर कैफे है, कैफे शायद बंद है आज। और अगर आपका सुपर बाइक लेके आ रहे हो, अगर कोई भी इशू हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि स्पीड ट्रिपल का ब्रेक पैड, GS का ब्रेक पैड और इवन होंडा CBS उसका 650 का ब्रेक पैड यहाँ पे इतना इजीली मिल गया, बहुत इजीली मिल गया, और यहाँ पे फटाफट फिटिंग भी स्टार्ट हो गया, शायद GS का स्टार्ट हो गया। तो
यहाँ पे आगे आप कोई भी इशू हुआ तो यहाँ पे आ सकते हो, अपना भाई रिपेयर कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट है कि पार्ट्स अवेलेबल है भाई, सबसे बेस्ट पार्ट है। इवन अगर टायर का इशू होगा, मुझे लगा इनके पास टायर भी होगा, मिल जाएगा तो मिल जाएगा। 2000 चल जाता ना। अरे ये बोल रहा है कि ये 2000 चल जाता। आज ये मेरे को कॉल दो नहीं। ट्रिपल का जो डिस्पैड है ये थोड़ा चल रहा था, ये तो पूरा बढ़िया था, 2000 किलोमीटर आराम से चलता, लेकिन निकाल चुके हैं हम लोग। और ये सीवीआर का ये पूरा गया है। जीएस में ऑलरेडी ब्रेक पैड लग चुका है, अभी ट्रायंफ पे लग रहा है, और सीवीआर 650 का भी पैड्स आ चुके हैं, और थोड़ा वक्त लगेगा। इट्स ऑलरेडी आई एस वन, एक बज चुका है, हम लोग का काम अभी तक खत्म हुआ, और एक घंटा लगेगा, और इसलिए गुप्ता बाबू ने जोमेटो से ऑर्डर किया है मोमो। वो आप तो नहीं खाएंगे आज? नहीं, क्यों नहीं खाऊंगा भाई, आज मंडे नहीं है ना। आज मंडे खाली नहीं खाता हूँ नॉनवेज में, बाकी हर दिन खाता हूँ। दार्जिलिंग में जी एस में 1300 का ब्रेक पैड लगेगा। जी एस का पीछे का जो ब्रेक पैड है दैट इज सेम टू इंटरसेप्टर फ्रंट ब्रेक पैड। हाँ, ये याद रखो भाई, कोई किसी अगर जी एस है मल्टीपल 50 जो सुमन का है, अदरवाइज अगर जीएस ओरिजिनल बीएमडब्ल्यू जा रहे हैं तो पता नहीं 4-5 हज़ार कुछ तो होगा ब्रेक पैड का कॉस्ट। तो यहाँ पे जो मिल गया डाल दिया, जुगाड़ करने के लिए लगा दिया, जुगाड़ तो हो गया। और चिचिन का भी यहाँ पे क्या तरह वर्षा ना क्या किसरा वेसरा वेसरा 2560 दिरांग जाने का था, हम दिरांग नहीं जाके शेरगांव जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे भैया बोले कि शेरगांव ज़्यादा सुंदर है दिरांग से, शेरगांव जो जाओ। और एक नया रूट भी बताएं, उसी रूट में हम लोग जाएंगे। यहाँ से 250 किलोमीटर है, ऑलरेडी 2 PM ना, और लेट नहीं करेंगे, निकलेंगे। आज का राइड एक्चुअली अभी स्टार्ट हुआ। हाँ हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ 2:45 ना, और गाड़ी का सब काम ख़त्म होते थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए हम अभी निकल रहे हैं शेरगांव, और दिरांग नहीं जाएंगे हम लोग, शेरगांव होके तवांग जाएंगे। हाँ मतलब दिरांग बीच में आएगा, शेरगांव के बाद तवांग के रास्ते आएगा, लेकिन शेरगांव में आज हमारा स्टे है। एक नया रूट लेके जाएंगे, जो जो गराज था उनका जो ओनर थे, उन्होंने हमको एक बढ़िया रूट बताया, जीतू भाई उन्होंने एक रूट बताया है, उसी रूट में जाएंगे हम लोग। एंड 250-60 किलोमीटर फ्रॉम हियर। की खुशी देख लो, गुवाहाटी का ट्रैफिक भयंकर। ये
रास्ता है, जैसे कि बीच में बहुत ख़राब रोड था 20-22 किलोमीटर, अभी थोड़ा अच्छा रोड हो गया है, लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, हरियाली ही हरियाली और ब्यूटीफुल कंट्री साइड रोड्स। हाँ स्प्रिंट स्पीड ब्रेकर है, सुंदर लग रहा है, नहीं छोटा छोटे मतलब ऐसे गांव आ रहे हैं और बढ़िया। वो जो 50-60 किलोमीटर रोड था वो कंप्लीट हो गया क्या? हाँ जो बोल रहे थे स्ट्रेट जाना है 60 किलोमीटर वो डन ना, क्या मुझे लगता है कि अभी रोड सही रहेगा और ख़राब नहीं रहेगा। जंगल वाला रोड स्टार्ट होगा अभी यहाँ से, बाय लेफ्ट साइड में देख पे, वाओ वाओ यार, टी गार्डन ना क्लास। हाँ ये सब अपना शिफ्ट ख़त्म करके वापस जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो मेरे दोनों तरफ अब टी गार्डन ब्यूटीफुल, और जो टी का जो खुशबू है, मतलब एग्जैक्टली टी का खुशबू नहीं है, पत्तियों का जो महक है वो आ रहा है पूरा एकदम। तो यहाँ पे बस एक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, वाटर ब्रेक, शाम हो रही है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करके फटाफट पानी वानी पी के निकल जाएंगे यहाँ से। और 120 किलोमीटर है जो शेरगांव है, और आगे 60 किलोमीटर के बाद मिलेगा बॉर्डर, अनदर 60 किलोमीटर टू दैट बॉर्डर, और वहाँ पे आपको परमिशन लेना पड़ेगा अरुणाचल के अंदर जाने के लिए। वो एक्चुअली ऑनलाइन भी होता है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन ट्राई किए थे लेकिन ऑनलाइन नहीं हो पाया ड्यू टू शायद कुछ वहाँ से कुछ अप्रूवल आया नहीं, हम लोग अप्लाई कर दिए थे नहीं आया। उसमें ऐसे 100 रुपीज़ लगता है ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हो, बॉर्डर के पास से भी आप परमिशन ले सकते हो, तो हम वही करेंगे, बॉर्डर के पास जाके वहाँ से परमिशन लेंगे और अंदर जाएंगे अंदर। अभी हम लोग उदलगुरी क्रॉस कर रहे हैं एंड ऐसे ही कंट्री साइड रोड, भाई भाई आज तो हम व्हाइट बनेंगे, व्हाइट yeah. ठीक है रखो, यही तो हम चाहते थे। इतना भी खराब नहीं है, आराम से आ सकते। देख के बहुत बहुत ज़्यादा रेत है यहाँ पे, पतला रेत है। सीधा जाने दो सुमन, सीधा भाई, सेना से भी हम लोग कट चुके हैं, सुमन पीछे रह गया, मैं और चीनी जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी तक ये रोड, ज़बरदस्त रोड, रोड का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, और हाँ सामने माउंटेंस भी दिख रहा है अभी। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का जो मतलब एयर है बहुत फ्रेश है। हाँ भैया इस जगह का नाम क्या है? हाँ पेराकुंडा। अच्छा यहाँ से अरुणाचल का बॉर्डर कितना दूर है? पास में है, 1 किलोमीटर में। बोलो बोला ये ब्रेक नहीं भर जीव। अच्छा यहाँ से हम जा रहे हैं शेरगांव, रोड कैसा रहेगा? रात के टाइम जाने में सही रहेगा? हाँ इधर में आगे में बालीमो में आपको रुकने के लिए जगह मिल जाएगा। बालीमो में ओके। तो हम लोग अभी ये प्लान किए कि हम लोग और आगे नहीं जाएंगे शेरगांव तक, क्योंकि अंधेरा हो चुका है
और यहाँ से डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका बोलना यह है कि 3-4 घंटे का रास्ता है और घना अंधेरा है। इस रोड के बारे में कोई आइडिया नहीं है कैसा रोड, क्या रोड है। और इस 639 और यहीं जस्ट आगे एक रिजॉर्ट है, प्लान किए यहीं पे रुक जाएंगे। इस जगह का जो नाम है वो अभी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। और जो बॉर्डर है यहाँ से 1/2 किलोमीटर का बॉर्डर आता है, उससे पहले ही वो रिजॉर्ट है, तो यहीं पे रुक जाएंगे, कल सुबह फिर आगे निकलेंगे। ओके, ये रहा रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट भी है इसका। सीधा चलो भाई लोग, ये कहाँ आ गए, हमारे गाड़ी का सामान खोल के गाड़ी ले आते यार। भैया रूम मिलेगा? 4 लोग हैं है? कितना क्या प्राइस है? सॉरी सॉरी, कितना? 3,000 1-2,000 समझ में नहीं रखा है उसका। और डिलक्स वाला थोड़ा कम नहीं होगा? थोड़ा कम कीजिए, हम सुबह सुबह निकल जाएंगे, 8-10 बजे तो निकल जाएंगे लोग। और आगे नहीं गए, इसका रीज़न ये था कि लास्ट टाइम हम जब स्पीति किए थे तो स्पीति का टाइम ये हुआ था कि हम लोग को वो जो घाटी वाला रास्ते में बहुत मुश्किल का मतलब मुश्किलों का बहुत सामना करना पड़ा था। नहीं हाँ, चैलेंजिंग था एंड ठीक है, मतलब स्पीति एंड लद्दाख बेल्ट को हम जानते हैं कि कैसा रोड्स रहता है, थोड़ा बहुत तो एक स्पेकुलेशन था, बट दिस स्ट्रेच वी आर टोटली न्यू एंड हमको कोई आइडिया ही नहीं है कि आगे क्या है। प्लस हम लोग जो कल जहाँ पे पकौड़े वकौड़े खा रहे थे वहाँ पे लोकल्स भी बोले कि रात को हाथी वाती निकलते हैं रोड पे, वो देख सुन के थोड़ा फट गया मेरा, चलो रुक जाते हैं काहे स्ट्रेच लेंगे। फिर मतलब याद आ गया जब हम काजा में पहुंचे थे रात को 12-1 बजे, वो रात का टेंशन, हॉरिबल टाइम, क्यों अननेसेसरी टेंशन लेंगे, तो रुक गए बॉर्डर पे। अच्छा मतलब वैसे भी यहाँ पे जो जहाँ पे हम लोग रुके हैं एक लौता मतलब ऑप्शन है यहाँ पे रुकने के लिए, मतलब जिस जगह में हम लोग हैं, और आगे जाने से मे भी 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर कुछ मिलेगा, मतलब मिल भी सकता है, लेकिन इस जगह पे लकीली बस 500 मीटर आगे ही था एक रिजॉर्ट था, बढ़िया रिजॉर्ट है, और 2500 लिया रूम करें, 2500 रुपये लिया, और बड़ा बड़ा रूम है, बाथरूम भी है बड़ा बड़ा, तो अच्छा खासा रेस्ट ले लिए और अभी हम निकलेंगे। अभी फर्स्ट थिंग हमको यहाँ मतलब 1/2 किलोमीटर में ही चेक पोस्ट आएगा, तो वो ऑलमोस्ट 1/2 घंटे का काम है, हमको परमिट्स बनाना है, डिपेंड करता है भीड़ कितना है। हाँ उतना जल्दी निकलेंगे उतना बस 1/2 किलोमीटर आगे ही बॉर्डर है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वाला ब्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब एक्चुअल हम अरुणाचल चढ़ेंगे ऊपर, सीनिक व्यूज वगैरह है वो सब देखने के लिए मिलेगा, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। Love you guys. Right, sir. Right with.